नमस्कार, आज हम स्ट्रेन गेज पढ़ेंगे। स्ट्रेन गेज पढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन इज अ मेजर ऑफ मटेरियल डिफॉर्मेशन इन रेस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फोर्स। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है तो उसमें डिफॉर्मेशन होता है, यानी कि उसका शेप चेंज होता है, और इसी डिफॉर्मेशन का माप है स्ट्रेन। फिर हम देखते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला देखते हैं हम। यदि कोई सॉलिड मटेरियल लिया है, उसकी लेंथ एल है, तो स्ट्रेन जिसको हम एप्साइलन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एप्साइलन बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल, जहाँ एप्साइलन जो होगा वो होगा स्ट्रेन ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस या फोर्स। डेल्टा एल जो होगा वो उसकी लेंथ में जो चेंज होगा वह, और एल जो होगी वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया जाता है? स्ट्रेन इज द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन एक्सपीरियंस बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो कि डेल्टा एल है, डिवाइडेड बाय इनिशियल डायमेंशन ऑफ द बॉडी। यानी फोर्स अप्लाई करने पर मटेरियल का जो डिफॉर्मेशन होता है उसको मेजर करने का एक तरीका है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को मेजर करने के लिए स्ट्रेन गेज यूज किया जाता है। तो अ स्ट्रेन गेज इज यूज टू मेजर स्ट्रेन ऑन एन ऑब्जेक्ट। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच देयर इज अ डिफॉर्मेशन अकर्स इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका शेप चेंज होता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है। दिस डिफॉर्मेशन इन द शेप इज बोथ कंप्रेसिव और टेंसाइल। यह डिफॉर्मेशन कंप्रेसिव हो सकता है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट पर दबाव बन रहा है, दबाया जा रहा है, या टेंसाइल, या उस ऑब्जेक्ट को खींचा जा रहा है। दिस डिफॉर्मेशन इन द शेप इज बोथ कंप्रेसिव और टेंसाइल इज कॉल्ड स्ट्रेन। यह क्या कहलाता है? स्ट्रेन कहलाता है, एंड इट इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेन गेज। स्ट्रेन गेज क्या है? एक पैसिव ट्रांसड्यूसर है। पैसिव क्यों? क्योंकि इसमें आउटपुट देने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हम आगे देखेंगे। तो स्ट्रेन गेज इज अ पैसिव ट्रांसड्यूसर दैट कन्वर्ट्स अ मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस ड्यू टू अ फोर्स इंटू इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रजिस्टर आर। तो ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करने के कारण जो उसका डिफॉर्मेशन हुआ है, यानी उसका जो शेप चेंज हुआ है, तो हम शेप चेंज होगा इसका मतलब मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उसकी जो बॉडी थी उसमें मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये किस कारण हुआ? फोर्स अप्लाई करने के कारण। इस डिस्प्लेसमेंट की कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन गेज क्या देगा? रजिस्टेंस में चेंज को शो करेगा, और इस रेजिस्टेंस में चेंज को हम किसी ब्रिज की सहायता से मेजर कर सकते हैं। फिर है, इफ अ मेटल कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड, इट्स रेजिस्टेंस चेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट बोथ लेंथ एंड डायमीटर ऑफ द कंडक्टर चेंज। यह कहता है जब किसी धातु चालक पर उसको दबाया जाता है या उसको खींचा जाता है तो उसका जो प्रतिरोध है वो चेंज होता है। क्यों होता है? हम नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, एक कंडक्टर है सर्कुलर शेप का जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो इसका रेजिस्टेंस जो होगा, इसका प्रतिरोध जो होगा वो होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए। एल लेंथ हो गई, ए एरिया हो गया, और रो जो है वो इसकी रेजिस्टिविटी या इसकी प्रतिरोधकता कहलाती है। तो जब इसे खींचा जाता है या दबाया जाता है तो यह लेंथ और यह जो क्रॉस सेक्शन एरिया ए जो है वो चेंज होगा। इसके साथ साथ ऑल्सो देयर इज अ चेंज इन द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। इसके साथ ही जब उस मेटल पर स्ट्रेन अप्लाई किया जाता है तो उसकी लेंथ और एरिया चेंज होने के साथ साथ उसकी रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है, और यह प्रॉपर्टी पीजो रेजिस्टिव इफेक्ट कहलाती है। और इसीलिए रेजिस्टेंस स्ट्रेन गेजेस को हम पीजो रेजिस्टिव गेजेस भी बोलते हैं। फिर है, स्ट्रेन गेज से आउटपुट किस तरह लिया जाता है, इसकी वर्किंग किस तरह होती है?
तो यहाँ एक स्ट्रेंथ गेज शो की गई है जिसपे डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया गया है, यानी कि इस स्ट्रेंथ गेज को खींचा जा रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और गॉज रेजिस्टेंस वायर्स दिखाए गए हैं। स्ट्रेंथ गेज में एक लंबे थिन मेटेलिक स्ट्रिप को एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जिसको कि अब हम कैरियर कहते हैं, इसके ऊपर जिगजैग पैटर्न में इस तरह से लगाया जाता है, जहां जैसे डायग्राम में शो किया गया है, और इसके दो टर्मिनल से हमें आउटपुट मिलता है। अब इससे आउटपुट लेने के लिए इसको एक वीट स्टोन ब्रिज के एक आर्म में इसको कनेक्ट किया जाता है। जब R1 तथा R2 का जो रेशियो है वह स्ट्रेंथ गेज की जो रेजिस्टेंस है इसका तथा R3 का जो रेशियो है इसके बराबर होगा, तब ब्रिज बैलेंस अवस्था में होगा, यानी कि इस वोल्ट मीटर में हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। बट जैसे ही स्ट्रेन गेज पे हम स्ट्रेन अप्लाई करते हैं या फोर्स अप्लाई करते हैं, इसको खींचते हैं या दबाते हैं, तो स्ट्रेन गेज का जो रेजिस्टेंस होता है वह चेंज होता है, जिस कारण यह ब्रिज क्या होता है, अनबैलेंस हो जाता है, और इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक वोल्टेज जनरेट होता है। इस वोल्टेज को इस वोल्ट मीटर की सहायता से मेजर किया जाता है। यह वोल्टेज स्ट्रेंथ गेज के रेजिस्टेंस में जो चेंज होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है, और गेज के रेजिस्टेंस में जो चेंज है वह अप्लाइड स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह यह वोल्ट मीटर हमें अप्लाइड स्ट्रेन को मेजर करके बता देता है। इस तरह स्ट्रेन गेज से स्ट्रेन को मेजर किया जाता है। थैंक यू।